गुड मॉर्निंग क्लास सर, आज हम आपको ईवीएस में डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच आर ग्रोन अप एंड टेकन केयर ऑफ एट होम। जो डोमेस्टिक मतलब पालतू जानवर होते हैं, उन जानवरों को हम घर पर पालते हैं, ठीक है, और घर पर ही उनकी केयर करते हैं। दीज एनिमल्स आर नॉर्मली डिपेंड ऑन ह्यूमन बींग्स फॉर फूड, शेल्टर एक्सेट्रा। और जो ये पालतू जानवर होते हैं, ये पूरी तरीके से मनुष्य पर डिपेंड करते हैं खाने के लिए और रहने की जगह के लिए, और मनुष्य भी उनको किसी न किसी रीजन से पालता है, ठीक है। जैसे काउ, बफेलो, गॉड, डॉग एक्सेट्रा। अब आपको भी पता है कि काउ से हमें क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, इसलिए हम उसको पालते हैं। बफेलो गॉड से भी हमें मिल्क मिलता है, इसलिए हम उसको घर पर पालते हैं। डॉग हमारे घर की केयर करता है, ठीक है, इसलिए हम उसको पालते हैं, अपने घर की रक्षा के लिए हम उसको पालते हैं, ठीक है। और इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स या पालतू जानवर कहते हैं। सेकंड है वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स मतलब जंगली जानवर। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लिव इन जंगल एंड अरेंज द फूड फॉर देम सेल्फ विद इन द फॉरेस्ट। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो जंगली जानवर होते हैं वो अपने खाने का मतलब अपने खाने की व्यवस्था कहाँ से करते हैं, जंगल से करते हैं, और वो किसी भी तरीके से मनुष्य पर डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टाइगर, चीता, लॉयन, बियर, लेपर्ड, फॉक्स एक्सेट्रा, ठीक है। आपको पता है ये जंगली जानवर है, ठीक है, ये किसी भी तरीके से मनुष्य पर निर्भर नहीं करते हैं, ये खुद ही शिकार करके अपने खाने की व्यवस्था करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डोमेस्टिक एनिमल्स और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में।